सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी प्रवक्ता अश्वनी उपाध्याय से खास बातचीत की है हमारे सहयोगी अमित दुबे ने चलिए वो सुनवाते को। बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ है अश्विनी जी जिस तरह से लड़कियों की उम्र शादी के लिए 21 वर्ष होनी चाहिए आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी डाल रखी है अब सरकार ने भी संकेत दिए है क्या कहें देखिए जो कल बजट के भाषण में कही गई बात कि हम उम्र बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं मैं इसका स्वागत करता हूँ पहली बात तो यह कि भारत संविधान से चलता है संविधान में इक्वेलिटी की बात है तो लड़के की उम्र इक्कीस साल और लड़की की उम्र अट्ठारह साल ये बिल्कुल असंवैधानिक है हमने इसकी इस चैलेंज किया हुआ है दूसरी बात डब्ल्यू एच ओ कहता है कि 20 साल से पहले जब कोई लड़की माँ बनती है तो माँ को भी कई बीमारियाँ होती हैं और बच्चे को भी कई बीमारियाँ होती हैं कुपोषण का मेन कारण ही हमारे देश में छोटी उम्र में माँ बनने माँ बनना है तो मुझे लगता है जब इक्कीस साल हो जाएगा तो कुपोषण की समस्या अपने आप में बहुत हद तक कम हो जाएगी तीसरी जी जनसंख्या नियंत्रण की बात की है उसके लिए भी आपने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल रखी है प्रधानमंत्री ने खुद लाल किले से संकेत दिए हैं लेकिन क्या संकेत देने मात्र सीए पॉसिबल है देखिए मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि अगर सी पे इतना हंगामा नहीं होता तो शायद अब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून का ड्राफ्ट बन गया होता और जो लोग सी के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं मैं तो उनको यही कहूंगा कि सीए तो बहाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड लटकाना है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लटकाना है घुसपैठियों को बचाना है ये मेन उनका उद्देश्य यही है वो उनको पता है कि सीए से तो कुछ नहीं होने वाला है सीए तो भारत के लोगों के, के लिए बना ही नहीं है सीए तो बाहर के लोगों के लिए बना है पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के शरणार्थी शरणार्थी के लिए बना है लेकिन वो हंगामा करके सरकार को इस तरीके से वो कोशिश कर रहे हैं सरकार को लगातार व्यस्त रखे हुए हैं वो सोच रहे हैं इतना हंगामा करूंगा जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा समान नागरिक संहिता नहीं आएगी घुसपैठियों को नहीं निकाला नहीं जाएगा भ्रष्टाचार पर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो मैं उनको यही कहूँगा ये मोदी सरकार है मोदी जी न झुकेंगे न दबेंगे न डरेंगे जो देश हित के लिए जरूरी है वो सब काम करेंगे बात करने के लिए शुक्रिया तो ये थे अश्विनी उपाध्याय जो साफ तौर पर कह रहे थे कि सरकार जिस तरह से संकेत दिए हैं उनके संघर्ष को और बल मिला है और ये एक सार्थक कदम है कैमरामैन केसर के साथ अमित दुबे आर नाइन टी दिल्ली